मंगलवार को एक निजी होटल में जदयू के एक कार्यक्रम के दौरान किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव और गोड्डा विधानसभा से जदयू के संभावित प्रत्याशी अवधेश सिंह कुशवाहा द्वारा अपने निजी कोष से जरूरतमंदों को साइकिल वितरण किया गया। आपको बता दें कि जदयू इस बार गोड्डा में गोड्डा की विधानसभा की तीनों सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। क्या मिला गोड्डा वासियों को? एक पद मिला, और एक पद मिला, कोई विधायक बना, कोई सांसद बना, लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूँ कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के विचारधारा से जुड़े हुए जितने भी समर्पित लोग हैं, उन्हीं के बदौलत कोई विधायक बना और उन्हीं के बदौलत कोई सांसद। लेकिन यह पहला मौका मिला है गोड्डा को कि आज आदरणीय नीतीश कुमार जी के विचारधाराओं को गोड्डा में परिवर्तित करना है तो जनता दल यूनाइटेड के माध्यम से करना है। आज मुझे किसी के भरोसे नहीं रहना है, आज मुझे अपनी ताकत किसी और के लिए उपयोग नहीं करना है, आज अपनी ताकत और अपनी ऊर्जा अपने लिए करना है, जनता दल यूनाइटेड के लिए करना है, आदरणीय नीतीश कुमार की सोच के लिए करना है। झूठा ढोल पीटा जा रहा है, सिर्फ कागजों में ढोल पीटा जा रहा है, आज काम कम और कागजों में काम ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। मेरा कार्यक्रम है कि इस गोड्डा विधानसभा के क्षेत्रों में किसानों की स्थिति को देखकर मुझे रिक्वेस्ट किया गया कि कुछ किसानों को जो असमर्थ किसान हैं उसको कुछ मेरे ओर से सहायता दिया जाए, जो कि अपना वो साग सब्जी घरों में उपजा करके हाट बाज़ार वो कर सके और इससे अपने जीविका उपार्जन का फ़ायदा होगा उनको और किसानों की को मदद मिल पाएगा और किसान जो है अपने पेट को चला पाएंगे, क्योंकि आज तक किसान के मुद्दे पर